हाय गाइस, निक हियर। आज के इस वीडियो में आपको YouTube में एंड स्क्रीन कैसे लगाया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है, कैसे यूज करते हैं, तो आज के वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा। बेसिकली YouTube एंड स्क्रीन को आप अपने वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में लगा सकते हैं, जिससे आपके वीडियो को देखने वाले ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वीडियो के लास्ट में लगे एंड स्क्रीन को देखने लगेंगे, जिससे आपके वीडियो के व्यूज और सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और वॉच टाइम भी इंक्रीज होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, देन उसके बाद यहाँ पर सर्च करना है studio.youtube.com, देन सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ पर हमें थ्री डॉट में जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपका YouTube का क्रिएटर स्टूडियो ओपन हो जाता है। देन यहाँ पर हमें कंटेंट वाले ऑप्शन, वीडियो का ऑप्शन दिया है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जिस भी वीडियो में एंड स्क्रीन लगाना है उस वीडियो को यहाँ से टच करना है। जैसे कि मेरे को हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल, ये जो वीडियो है इसमें लगाना है, तो सिंपली इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेंसिल का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर जाना है हमें, यहाँ पर एंड स्क्रीन लिखा है, उसके जस्ट बगल में पेंसिल है, उसमें क्लिक करना है। देन उसके बाद एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए वीडियो प्लेलिस्ट का सब्सक्राइबर चैनल और लिंक, तो पांचों टाइप का आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को लगाकर दिखाता हूँ। सबसे पहले वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के बाद यहाँ पर ब्लू कलर का आ गया। सबसे पहले हमें इसका स्पेस फिक्स कर देते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पर लगाऊंगा। उसके बाद इसमें वीडियो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आया है कि मोस्ट रिसेंट अपलोड, आपका अभी तुरंत का जो नया अपलोड किए होंगे उस वीडियो को डालेंगे, या सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर व्यूअर जो ज़्यादा व्यूज है, या चूज स्पेसिफिक वीडियो। तो मैं इसमें जाऊंगा और मैं सिंपली इस वीडियो को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए वीडियो यहाँ पास आ गया है, एक वीडियो हो गया। अब मान लिया जाए मेरे को एक और वीडियो डालना है, तो फिर से मेरे को एलिमेंट में जाना होगा। एलिमेंट में जाने के बाद वीडियो को सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसका स्पेस फिक्स कर देना है, मान लिया जाए मेरे को यहाँ पास लगाना है। उसके बाद सिंपली चूज स्पेसिफिक वीडियो में जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से चॉइस करके वीडियो को लगाऊंगा। यहाँ पर इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए ये भी वीडियो आ गया। अब फिर से मेरे को एलिमेंट में जाना है, मेरे को एक सब्सक्राइब बटन लगाना है यहाँ पर बीच में, तो सिंपली एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है, उसमें क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब का पॉपअप आ गया है, तो सिंपली इसको यहाँ पर बीच में रख दूँगा। ये मेरा हो गया तीन। एक बार फिर एलिमेंट में जाना है और मैं आपको प्लेलिस्ट लगाकर बताता हूँ। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में क्लिक करूँगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पास मेरे पास तीन प्लेलिस्ट है, बेस्ट यूट्यूब टिप्स थे, सिंपली इसमें क्लिक करूँगा। अब इसका स्पेस भी आ गया, तो इसका स्पेस मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ये हो गया। तो इस तरह लगाने के बाद आपको यहाँ पास सेव में क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद हमारे वीडियो में एंड स्क्रीन लग गया। इस तरह से आप अपने वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वीडियो का व्यूज और वॉच टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में सब्सक्राइबर भी गेन होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।